हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए, और प्रेस करें बेल आइकॉन हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रमोशन का जो एक मुद्दा है वो हमने उठा रखा है, और सभी से एक रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं कि प्लीज़ जो है आप भी प्रमोशन के रिगार्डिंग जो इग्नू स्टूडेंट्स हैं उन सभी की आवाज़ को जो है बुलंद करें। और इसी के रिगार्डिंग, प्रमोशन के रिगार्डिंग ही आज जो मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जो कि इग्नू के रीजनल डायरेक्टर हैं अशोक शर्मा जी, उन्होंने जो है कल जो है लाइव आकर उन्होंने ये बात बताई कि क्या चल रहा है इनका जो है मेन सिस्टम है वो। आपको दिखाता हूँ सबसे पहले इनकी बात की, इन्होंने इस बारे में क्या कहा कि क्या ओपन बुक एग्जामिनेशन बच्चों के होने तो चाहिए, तो सुनिए आप। किताबों में जो छपा हुआ है उसको यूं का यूं नहीं उतारना होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे। आपको ये देखिए, ये है जो हमारे विद्यार्थियों की डिमांड भी है एक तरीके से कि इग्नू ओपन बुक एग्जाम क्यों नहीं करवा रही है। तो देखिए, थ्योरी एग्जाम्स तो ओपन बुक और ऑनलाइन माध्यमों से अभी उतना संभव नहीं है। आपके जो टर्म एंड एग्जामिनेशंस हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा जागरूक हैं, और जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं वो ये जानते हैं कि जो जून 2020 परीक्षाएं थी, जो सितंबर अक्टूबर में हुई, वो भी ऑफलाइन मोड में हुई थी, स्टडी सेंटर्स पे हुई थी, एग्जाम सेंटर्स पे हुई थी। इसी प्रकार से जो दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जाम्स जो फरवरी मार्च में हुए थे, वो भी ऑफलाइन मोड में ही हुए थे। तो आप बिल्कुल अपनी पूरी तैयारी रखिए कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन मोड में ही होंगी आगे भी। तो आपने इस वीडियो में सुना कि जो अशोक शर्मा जी हैं RC1 के रिजल्ट डायरेक्टर हैं, उन्होंने क्या कहा है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन जो है इग्नू का पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आपको पता है, बच्चे डिमांड कर रहे थे कि प्लीज़ ओपन बुक एग्जामिनेशन आप कंडक्ट कराइए, ओपन बुक एग्जामिनेशन आप कंडक्ट कराइए। तो आप खुद सुन सकते हैं, इग्नू रीजनल सेंटर 1 दिल्ली के रीजनल डायरेक्टर हैं ये, और ये खुद कह रहे हैं कि इग्नू के अभी बस की बात नहीं है ओपन बुक एग्जामिनेशन कराना। और ये कह रहे हैं कि जून 2020 में जो बच्चों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देकर जो है ऑफलाइन स्टडी सेंटर्स पे जाके जो है एग्ज़ाम दिए हैं, और ये कह रहे हैं कि इस बार भी जो जून में जो है एग्जामिनेशन जून 2021 में, वो भी ऑफलाइन ही लेने को सोच रहे हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। और आपको इनकी एक और बात सुनाता हूँ मैं, आखिरी के कुछ मिनटों की बात है ये बात, आप सुनिए, उसके बाद मैं आगे अपनी मैं अपनी बात करूँगा। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करना। आप पहले इनकी बात सुनिए एक बार। रुचि नहीं रखते हैं आरसी दिल्ली 1 की वेबसाइट को जरूर रेगुलरली विजिट करते रहिए बेटा। हमारी वेबसाइट से आपको सारी सूचनाएं टाइमली मिलती रहेंगी। तो आज इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करेंगे। अपने विद्यार्थियों के सेफ्टी के लिए शुभकामना करते हुए, अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है, कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी टाइम टू टाइम गाइडलाइंस आ रही हैं, काइंडली उन गाइडलाइंस को आप फॉलो कर। तो आपने सुना इन्होंने लास्ट में क्या कहा कि कोरोना का जो खतरा है वो अभी तक टला नहीं है। बिल्कुल सही कहा अशोक शर्मा जी आपने, अभी कोरोना का जो खतरा है वो टला नहीं है, अभी थर्ड वेव जो है आने वाली है, ऐसा जो है सभी सर जो है न्यूज़ चैनल्स कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कह रही है कि थर्ड वेव जो है वो आने वाली है। इग्नू के रीजनल डायरेक्टर्स को पता है, इग्नू के डायरेक्टर साहब को पता है कि थर्ड वेव आने वाली है, तो भी ये लोग क्यों ओपन बुक एग्जामिनेशन ना करा के ऑफलाइन बच्चों को स्टडी सेंटर में मरने के लिए भेज रहे हैं। आप मुझे जवाब दीजिए, आपको पता है कि कोविड ख़त्म नहीं हुआ, ना ही कोविड जो है ढीला पड़ा है, कोविड की थर्ड वेव आने को तैयार है, और इसके लिए हम लोग अभी तैयार नहीं हैं, बच्चे अभी तैयार नहीं है। डिमांड यही है कि देखिए, आप ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं करा सकते, ये आपने कबूला है, तो प्लीज बच्चों को प्रमोटेड पास कर दीजिए, और प्लीज इतना टाइम जो है वेस्ट मत कीजिए, जल्दी बच्चों को प्रमोटेड पास कीजिए। मैं यही, मेरी जो है यही राय है, इग्नू से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, सभी बच्चों से भी मैं यही बोलूंगा, प्लीज ओपन बुक एग्जामिनेशन इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज प्रमोशन के लिए अपनी आवाज उठाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ट्विटर पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग ट्वीट करते रहें, इग्नू को @ इग्नू को जो है ट्वीट करें, टैग करें इग्नू को,
और इग्नू तक अपनी आवाज पहुंचाएं, इग्नू को लेटर लिख के दें। वो लेटर जो आप इग्नू को भेजेंगे, आप जो है हमारी ईमेल आईडी पे भी हमें सीसी कर सकते हैं, amulyasingclasses@gmail.com। हम भी रेगुलर बेसिस पे प्रमोशन के रिगार्डिंग इग्नू से बात कर रहे हैं। आपने देखा रीजनल डायरेक्टर जी ने क्या कहा, आगे जो है हम आपको ऐसे ही अपडेट देंगे। बाकी प्रमोशन के लिए हम लोगों की आवाज जो है अभी भी तैयार है, हम लोग रेडी हैं, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं अपने हक के लिए। आप लोग जो है हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रमोशन की आवाज़ और जोरों शोरों से बढ़ सके। और इस टाइम पे जो है बहुत सारे जो है यूट्यूबर्स भी अब हमारे साथ आ रहे हैं धीरे धीरे। जो यूट्यूबर्स अभी तक जो है अपना घर चला रहे थे कि नहीं भाई साहब हम प्रमोशन के मुद्दे में क्यों अड़े, क्यों ओपन बुक एग्जामिनेशन में हम अड़े, वो भी अब धीरे धीरे करके आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे क्या चाहते हैं। और अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल ऐसा चैनल है जो बच्चों की आवाज़ सबसे पहले उठाता है। इस बार भी जो है हम ही ने जो है बच्चों की आवाज़ सबसे पहले उठाई थी। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा यार प्लीज इतना सपोर्ट करो हम लोगों को कि अगर नेक्स्ट टाइम कभी फ्यूचर भगवान करे ऐसी चीज ना आए, लेकिन अगर आती है तो हमें किसी से हेल्प मांगने की नीड ना पड़े। प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक ले थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।